उसको ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू हैव नॉलेज. लेकिन ये जो चीज़ दिखा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड किचन फायर ब्लैंकेट. फॉरेन कंट्री में हर एक के घर में लगा हुआ, किचन में बोल भी दिया हुआ. एक्सेलेंट आइटम. दिस इज अ क्लॉथ, इट्स अ ग्लास फाइबर, सिलिकॉन ट्रीटेड, 2200 डिग्री फेरनहाइट, जिसमें लोहा मेल्ट होकर बन जाता है मोल्टन मेटल. इस कपड़े को कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर में लगा हुआ आग बुझना चाहिए. उस टाइम पे आप हो, आपका 10 साल का बच्चा हो, या काम करने वाले भाई हो, घर में लगा हुआ आग बुझना चाहिए. और हमेशा हस्बैंड और वाइफ बगल में नहीं थे जब घर में आग लगता है, बट बुझना चाहिए. दिस क्लॉथ एक्सीलेंट. जैसी जहाँ पर आग लग गया, जहाँ पर आप पानी नहीं डाल सकते, बिकॉज वाटर यू कैन नॉट पुट एवरीवेयर. तेल के ऊपर अगर पानी डाल दिया तो पूरा धमाका हो जाए, जिसने डाला वो जल जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी में पानी डाला तो शॉक से मर जाओगे. गैस पे पानी डाल के कुछ होगा नहीं. तो अगर ये तीन टाइप का आग आपके घर में लग गया तो बताओ कैसे बुझाओगे. यू आर गोइंग टू वेट फॉर फायर ब्रिगेड, देन यू आर गॉन. जेंटलमैन, फॉरेन कंट्री में सोच है, हमारे पास सोच नहीं है. बात पैसे का नहीं, बात 1000, 2000, 1500 का नहीं. उनके पास सोच है, हमारे पास सोच है. उन लोग सब कुछ करने के बावजूद भी उनको लगता है हमारे यहाँ पर घर में हो सकता है, और हमको कुछ नहीं करके भी लगता है मेरे घर में हो नहीं सकता. द डिफरेंस इज इन थॉट, नॉट मनी. सोच बदलो तो देश बदलो. मोदी साहब तो बोल बोल के थक गए, लेकिन कब समझ में आएगा पता नहीं. एक्सीलेंट क्लॉथ, मेरे घर में तो लगा हुआ, आपके घर में कब आएगा देखो. राइट. सेकेंड, इसलिए कहते हैं कि लोहा बेचने वाला टाटा हो गया और जूता बेचने वाला बाटा हो गया. तुम्हारा क्या हो गया? तुम जिधर है उधर ही है, तुम्हारी सोच की वजह से. तो बोलते हैं कि पाँव की मोच और आदमी की छोटी सोच उसको आगे जाने से रोकती है. समझ में आ गया तो सचिन ने तो अधूरुद्दीन चला गया.